हम आ जाते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स पर। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये बिजनेस मॉडल्स गिवन है हमारे पास, ये सिर्फ लिमिटेड है, और भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल क्या होता है एक्चुअल में, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी क्या होगी। तो हमने कहा कि ये ई कॉमर्स में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, वो कितनी तरह की होती है। तो हमने कहा कि सबसे पहले उसमें आता है बी टू सी मॉडल। बी टू सी मॉडल का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस जिसकी वो वेबसाइट होगी, जिसने वो सेल कर रहा होगा, उसकी कोई प्रोडक्ट्स होंगी, कंज्यूमर क्लाइंट्स होंगे, जैसे मैं और आप हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा, वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कहलाएगा। और उसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स की, जिसमें उन्होंने बेस्ट बाय दिया हुआ है, अमेजन है, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जाते हैं, आप लॉगिन करेंगे और आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कनेक्टिविटी, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का। अच्छा, अब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है कि एक बिजनेस जो इंडिपेंडेंट बिजनेस है और एक और इंडिपेंडेंट बिजनेस आपस में सेल्स एंड परचेस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, दो इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस मॉडल्स, वो आपस में जब जिनके थ्रू आप सेल एंड परचेस करेंगे, वो आपके पास कहलाएंगे बी टू बी मॉडल्स। और इसकी एग्जांपल है अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन्हें एक बिजनेस प्लेटफॉर्म ने एक अपनी जगह दे दी जिसके थ्रू वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि यूनिवर्सिटी है हमारी, एक एजुकेशनल सेक्टर है, एक बिजनेस मॉडल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मुझे अपने यूनिवर्सिटी में लैब्स जो हैं वो बनवानी है। ठीक है, आईटी लैब्स हैं वो बनवानी है, मेरा बिजनेस मॉडल है, मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, मेरी यूनिवर्सिटी है और मुझे लैब्स बनवानी है, और उन लैब्स के लिए मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए। अब वो इक्विपमेंट हो सकता है कि मुझे सर्वर्स चाहिए हों, वो इक्विपमेंट हो सकता है कि मुझे कंप्यूटर्स चाहिए हों, वो इक्विपमेंट डिफरेंट हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वो मुझे चाहिए अपने बिजनेस मॉडल के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम किसी अगर मुझे जहाँ से सर्वर्स लेने हैं, राउटर्स या स्विचेस लेने हैं, तो मैं उन कंपनी को जो एक इंडिपेंडेंट अपना एक बिजनेस है, उनको अप्रोच करेंगे, उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजेंगे, फिर वो हमें अपने कोड्स भेजेंगे। ठीक है, तो फिर उसके थ्रू हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, वो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हो जाएगी और हमारी लैब क्रिएट हो जाएगी। तो मींस हमने दो बिजनेसेस को आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, दो बिजनेस का रिलेशन बना, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं बी टू बी मॉडल। इसी तरह फॉर इंस्टेंस के हमारे पास होती है जो पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल्स की एक कराची में असेंबलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, अक्सर जो उसके जो पार्ट्स हैं वो बन रहे हैं शेखुपुरा में, वो सिर्फ वो और जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ वो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम वो पार्ट्स की असेंबलिंग कर रहे हैं। अब मेरा मुझे असेंबल करना है, मुझे सेल करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, वो पार्ट्स चाहिए जो बना रहे हैं, तो अब मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रही हूँगी, तो वो जो मेरा लिंक होगा मेरे बिजनेस का उनके बिजनेस के साथ, जो रिलेशनशिप होगा वो बी टू बी मॉडल कहलाता है। और वाया ईमेल्स होता है, जो कोटेशन जो ऑनलाइन की जाती हैं, उसको हम बी टू बी मॉडल कहते हैं। और सिर्फ ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है कि फॉर इंस्टेंस मुझे कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे प्रिंटर्स चाहिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए, प्रिंटिंग मशीन होती हैं, तो वो हमें क्या करवानी पड़ती है, इम्पोर्ट करवानी पड़ती है। ठीक है, तो अब वो जहाँ से, जिस कंपनी से मुझे इंपोर्ट करवानी, वो एक बिजनेस है, उसका बिजनेस क्या है, वो प्रिंटिंग मशीन्स को बना रहे हैं। अब मेरा बिजनेस है एजुकेशन और मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उन्हें मेल कर दूंगी, सही, कि मुझे ये, वो अपने कोटेशंस भेज देंगे, मॉडल नंबर्स भेज देंगे, फीचर्स भेज देंगे, फिर उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगी, अपनी रिक्वायरमेंट का इंडेंट फिल किया जाएगा, वो अप्रूव होगा, और फिर मैं वहाँ से उन्हें वो भेज दूंगी कि मुझे मॉडल्स चाहिए, और फिर वो हमारी डील डन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी टू बी मॉडल्स कहलाते हैं। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, मींस कि एक साइड पर भी कंज्यूमर हो, सेकंड साइड पर भी कंज्यूमर हो, कोई बिजनेस इन्वॉल्व ना हो। मैंने कोई चीज ली और मुझे वो सेल करनी है, मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैंने वो बेच दी,
मीन्स मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और मैंने किसी और को आगे सेल कर दी, वो भी कंज्यूमर है. तो इस तरह के मॉडल्स को हम सी टू सी मॉडल्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास ओएलएक्स आ जाता है, पार्क व्हील्स आ जाता है, जिसके थ्रू एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से कनेक्ट होता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी बिजनेस. उसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल. फिर इसके बाद आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल्स. इसमें आपने देखा होगा कि ये दो तरह से है, ठीक है. बी टू जी मॉडल को इस तरह से हम लेते हैं कि बिजनेसेस अपनी सर्विसेज जो होती हैं वो गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं. अच्छा, वो कौन सी सर्विसेज होती हैं? वो इन टर्म्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट होता है. मींस आप गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी हॉस्पिटल ले लें, ठीक है. कोई भी आप ऐसा सिस्टम ले लें जिसको आप फॉर इंस्टेंस अभी COVID-19 का एक उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसका एक आपने डेटाबेस क्रिएट किया. आपका काम क्या है? आप डेटाबेस मैनेजमेंट है, आप सॉफ्टवेयर हाउस है, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं. तो उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने गवर्नमेंट को एक मॉडल बनाकर दे दिया. तो आपने अपनी सर्विसेज किसको दी? गवर्नमेंट को सेल की, गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट ऑफिसेस को दी. तो उसको हम बी टू जी मॉडल कहते हैं. एक तो ये होता है, और दूसरा बी टू जी मॉडल ये होता है कि जो आपके बिजनेसेस होते हैं उनको हमने रजिस्टर्ड करवाना है, और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो थ्रू वेबसाइट होती है जिसमें आपको NTN नंबर मिलता है. वो मॉडल हम FDR की वेबसाइट के थ्रू अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है. आप उधर एक्सेस करते हैं, अपने बिजनेसेस को रजिस्टर करवाते हैं, और अपने टैक्स नेट के अंदर आप अपना जो बिजनेस है उसको रजिस्टर करवा कर टैक्स पे कर रहे होते हैं. इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पहले क्या होता था कि लोग रजिस्टर नहीं होते थे, अपने बिजनेसेस को नहीं करवाते थे. दूसरा ये कि आप टैक्स पे नहीं करते थे. अब और क्योंकि वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता था, मैनुअल प्रोसीजर होता था, तो वो लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक होता था. उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपको एक लॉयर की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें. अब उसको इतना फीजिबल कर दिया, इतना इजीली आप एक्सेसिबल है वो आपके लिए, वो सिस्टम, वो वेबसाइट इतनी यूज़र फ्रेंडली है कि आप ईजिली अपने जो टैक्स है वो भी पे कर सकते हैं. जो टैक्स फाइलिंग होता है वो बहुत ईजिली आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं ईयरली, और अपने मॉडल्स को रजिस्टर करवा सकते हैं. तो ये दो तरह से हम कहते हैं कि जो मॉडल होता है बी टू जी मीन्स बिजनेसेस अपना गवर्नमेंट के साथ जो लिंक होता है, या तो अपनी सर्विसेज दें, या जो रजिस्ट्रेशन है, या जो टैक्स पेइंग है गवर्नमेंट को, वो आपके पास बी टू जी मॉडल होता है. अच्छा, एक और इसमें काफ़ी फेमिलियर सा मॉडल है, इसमें गिवन नहीं है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. वो है सी टू बी मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल. उसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो अपनी सर्विसेज किसी बिजनेस को दे रहा होता है, ठीक है. तो वो जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल. अच्छा, ये क्या होता है कि कंज्यूमर बिजनेस को अपनी सर्विसेज क्या दे सकता है? तो ये आपने काफी आप काम भी कर रहे होते हैं बच्चे, जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है. आपके पास डिफरेंट वेबसाइट है, Fiverr.com है, फ्रीलांसिंग है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. सर्विसेज क्या दे रहे हैं? आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, आपने बताया कि आपके ये स्किल्स हैं, आप डाटा एंट्री कर सकते हैं. बिजनेस कोई मॉडल है जैसे कि TCS है, उन्हें एड्रेसेस एंटर करवाने हैं रेगुलर बेसिस पर, जो उन्हें जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उनके पास कुरियर्स है उन्हें सेंड करना है, तो उनको डाटा एंट्री के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है. आपने कहा कि मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ आपकी कंपनी को, तो आपका उस कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं जो कंटेंट राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटेंट राइटिंग का होता है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो मॉडल कहलाता है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहलाता है. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट इसमें सिर्फ इन्होंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि अगर कंज्यूमर का लिंक होगा बिजनेस के साथ तो सी टू बी होगा, बिजनेस का कंज्यूमर होगा तो बी टू सी होगा. ये सिर्फ रिलेशनशिप एक उन्होंने बताया है. इसमें इमेजेस के फॉर्म में बता दिया है, एक वेबसाइट्स के फॉर्म में बताया है कि जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं वो कैसे होंगे. तो फर्स्ट इमेज है, उसमें उन्होंने बताया है कि आप वो, आपको कोई कंप्यूटर चाहिए, तो आपका और वो जो साइट्स है जिससे आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं वो आपका कंज्यूमर टू बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या है. तो वो उसकी एग्जांपल है कि एक प्रिंटिंग वेबसाइट है, उसे मैंने प्रिंटिंग वेबसाइट से वो प्रिंटिंग मशीन्स को क्या कर दिया, ऑर्डर किया अपने बिजनेस के लिए क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था, तो वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाया.
कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल आपके पास है कि आप उनकी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो बिटवीन टू कंज्यूमर हो रही है, इंडिविजुअल हो रही है, जिसकी एग्जाम्पल आपके पास OLX मौजूद है। फिर इसके बाद उन्होंने आपको जो बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल है उसकी एग्जाम्पल उन्होंने आपको एक ये टैक्सेशन वेबसाइट बता दी जो पाकिस्तान में FBR की है, ठीक है। तो ये मॉडल्स होते हैं। आज के जो कोर्स था उसको समराइज अगर करें तो वो ये था कि व्हाट इज ई कॉमर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ये तीन चीजें हमने पढ़ी।